हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे अपने घरों पर। मैं मुनेश कुमार दिवाकर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इन सौरभ कॉलेज खेड़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी इन 11th क्लास का इंट्रोडक्शन। तो आज पढ़ रहे हैं अपन बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, शुरू से ही यही बिल्कुल। देखिए, जो बायोलॉजी शब्द है इसका अपन मीनिंग देखें तो बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ होता है ऑर्गेनिज्म और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी। अर्थात ऐसा विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अब जीव में पेड़ पौधे भी आते हैं और जंतु भी आते हैं, तो यहाँ बायोलॉजी में पेड़ पौधों का अध्ययन भी करते हैं, ऊपर किसे करते हैं अपन? जंतुओं का अध्ययन भी करते हैं। अच्छा, जो बायोलॉजी है वह दो रूपों में क्या है, दो भाषाओं में क्या किया गया, चेंज किया गया। जो बायोलॉजी शब्द है वह दो जो भाषा है उनके आधार पर कुछ मीनिंग्स लिखे गए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें किसकी, ग्रीक भाषा की। तो जो ये कहता है कि जो बायोलॉजी शब्द है वह ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं वायोस प्लस लोजिया, है ना, इनसे बना है। ये क्या है? ग्रीक भाषा का है। ठीक है, ठीक है बेटा। और ये हो गया, और दूसरा आता है बेटा, ये ग्रीक हो गया और दूसरा आता है लैटिन। दोनों भाषाएं लैटिनी भाषा है और ग्रीक भाषा है। तो लैटिन जो भाषा है उसमें जो बायोलॉजी शब्द है, इस जो बायोस प्लस लोजिया क्या हो गया, बायोलॉजी हो गया, उसमें वही बात है। जो बायो का अर्थ होता है ऑर्गेनिज्म, लॉजी का अर्थ स्टडी अर्थात अध्ययन। और जो जो इस शब्द का सबसे पहले लैटिन भाषा में क्या किया, अनुवाद किया गया, वो था कार्ल लीनियस ने। किसने किया बेटा? कार्ल लीनियस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को लैटिन भाषा से क्या किया गया, उत्पत्ति की गई, है ना। बायोलॉजी शब्द की सबसे पहले लैटिन भाषा से क्या किया, उपयोग किया गया, किसने? कार्ल लीनियस ने, है ना। कार्ल लीनियस को कैरोलस लीनियस भी कहते हैं अपन, वो आगे देख लेंगे। अच्छा, तो ऐसा विज्ञान जिसमें जीवों की स्ट्रक्चर, उनकी संरचना, जीवों का अध्ययन किया जाता है, और जीवों में अपन पेड़ पौधों का अध्ययन भी करते हैं और जंतुओं का अध्ययन भी करते हैं। पेड़ पौधों का अध्ययन किस में करते हैं अपन? बॉटनी में करते हैं। किस में करते हैं बेटा? बॉटनी में। जो बॉटनी में किसका अध्ययन करेंगे अपन? पेड़ पौधों का, प्लांट्स का अध्ययन करेंगे। और जो जूलॉजी है उसमें किसका अध्ययन करेंगे अपन? एनिमल्स का अध्ययन करेंगे। तब बनता क्या? बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी में अपन बॉटनी प्लस जूलॉजी अर्थात बॉटनी प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तब क्या बनता है? बायोलॉजी बनते हैं। अच्छा, तो इसको अपन यूँ कह सकते हैं कि ऐसा विज्ञान जिसमें सजीवों के या जीवों की उनकी संरचना, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी ग्रोथ, उनका न्यूट्रिशन, उनका डाइजेशन, उनकी स्ट्रक्चर, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और मोमेंट्स, MOVMENTS, मोमेंट्स, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन आदि का अध्ययन करते हैं।
ऐसा विज्ञान जिसमें सजीवों की स्ट्रक्चर संरचना और उनकी जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि उनकी ग्रोथ होना, उनकी वृद्धि होना, उनको वो किस प्रकार से न्यूट्रिशन लेते हैं देते हैं, और डाइजेशन, पाचन, मेटाबॉलिज्म, उपापचय, है ना, जीवों के अंदर जो भी घटना घटित हो रही हैं, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, सब क्या है मेटाबॉलिज्म में, और उनका उनके अंदर जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं वो सब क्या है मेटाबॉलिज्म में, मूवमेंट्स, सजीव क्या करते हैं, गति भी करते हैं, पादप भी करते हैं, एक्सक्रीशन, सजीवों के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं वो क्या एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, प्रजनन, है ना। तो इन सब चीज़ों का किसमें अध्ययन करते हैं अपन, बायोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं, है ना। स्ट्रक्चर हो गई इसकी, सजीवों की, ऐसा विज्ञान जिसमें सजीवों की स्ट्रक्चर, उनकी मूवमेंट्स, उनकी ग्रोथ, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट्स, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन आदि क्रियाओं का करते हैं अध्ययन करते हैं, है ना। इनका मतलब ये तो क्या हो गया, संरचना हो गई, ये क्या हो गया, उनकी वृद्धि हो गई, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, और डाइजेशन मतलब पाचन, मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय, मूवमेंट्स मतलब गति करना, है ना, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन और रिप्रोडक्शन आप समझते हैं जनन, ये सब चीज़ों का अध्ययन किस में करते हैं अपन, बायोलॉजी में, बायोलॉजी के अंदर करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हुआ क्या बायोलॉजी का मीनिंग। अब थोड़ा सा अपन अध्ययन का बोध देखें अपन, थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री देखें, थोड़ा सा जो बायोलॉजी का थोड़ा सा बैकग्राउंड चले अपन, तो बायोलॉजी का जो विकास कैसे कैसे हुआ, है ना, बायोलॉजी का जो विकास है वो सबसे पहले कैसे कैसे हुआ। देखो हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बायोलॉजी की, हिस्ट्री देखते हैं अपन। देखिए हिस्ट्री की बात करें अपन तो सबसे पहले वही बात है कि जो लैटिन शब्द था किसका, बायोलॉजी का, बायोलॉजी को ग्रीक भाषा में तो क्या था, बायोस प्लस लोजिया, और लैटिन में था बायो प्लस लोजी, है ना, ये हो गया। ये किसने किया था, कार्ल लीनियस ने, ये किसने किया था, कार्ल लीनियस ने, किसमें किया था, बायोलॉजी ग्रुप में इस क्या किया था, इसको अध्ययन किया था लैटिन भाषा में। अच्छा अब देखो सबसे पहले हम बात करें कि जो बायोलॉजी वो क्या है बेटा, बायोलॉजी प्राकृतिक विज्ञान है, क्या है, नेचुरल साइंस है, बायोलॉजी क्या है, नेचुरल साइंस है, बायोलॉजी क्या है, एक नेचुरल साइंस है। तो सबसे पहले जो मॉडर्न बायोलॉजी है, क्या है बेटा, मॉडर्न बायोलॉजी, मॉडर्न बायोलॉजी का, मॉडर्न बायोलॉजी का, मॉडर्न बायोलॉजी क्या किया, अध्ययन प्रारंभ किया प्राकृतिक रूप में, जो आधुनिक विज्ञान है मॉडर्न बायोलॉजी का प्राकृतिक रूप में अध्ययन प्रारंभ किया, वो थे हिप्पोक्रेट्स। वो कौन थे, हिप्पोक्रेट्स। तो हम कह सकते हैं पहला पॉइंट है अपन कि जो मॉडर्न जो बायोलॉजी है, आज की अपन जो विज्ञान पढ़ रहे हैं उस विज्ञान का सबसे पहले, मॉडर्न बायोलॉजी का सबसे पहले प्राकृतिक रूप में अध्ययन किसने किया था बेटा, हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहले अध्ययन प्रारंभ किया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपन लेते हैं यहाँ पे कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है बेटा, अर्थात जो जीव विज्ञान है उसके पिता कौन कहलाते हैं, अरस्तु, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहलाते हैं, अरस्तु कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात करें अपन फादर ऑफ बॉटनी, वो कहलाते हैं कौन, थियोफ्रास्टस, ये कौन है, फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के जनक,
कौन कहलाते हैं? थियोफ्रास्टस। और ये कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन है? अरस्तु या अरिस्टोटल, है ना। अच्छा, अब बात कर रहे हैं, थियोफ्रास्टस ने कुछ बुक लिखी थी। थियोफ्रास्टस ने क्या लिखी थी? कुछ बुक लिखी थी, और उस बुक का कुछ इस प्रकार से नाम है। थियोफ्रास्टस ने क्या लिखी थी? कुछ बुक लिखी थी। उन बुकों का क्या अध्ययन बन के गए? कॉजेज ऑफ प्लांट्स, CAUSES, कॉजेज ऑफ प्लांट्स। एंड दूसरा है कॉजेज ऑफ प्लांट्स, हाँ, इंक्वायरी ऑफ द प्लांट्स, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। कॉजेज ऑफ प्लांट्स और दूसरी है इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। ये किसने लिखी थी? थियोफ्रास्टस ने दो बुक लिखी थी। ठीक है, तो ये हुआ फादर ऑफ बॉटनी के बारे में, कौन थे? थियोफ्रास्टस। और कॉजेज ऑफ प्लांट्स, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। अच्छा, अब देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ तक सूक्ष्म विज्ञान के, सूक्ष्म जो माइक्रोस्कोपी है, माइक्रोस्कोप सूक्ष्म, जो क्या कह सकते हैं उसको, माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं, सूक्ष्म जो आविष्कारक होता है, जिसे अगर क्या करते हैं अपन, स्लाइड वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तो याद नहीं थोड़ी सी। तो माइक्रोस्कोप का अध्ययन यहाँ तक नहीं था, माइक्रोस्कोप अभी तक खोज नहीं की थी। तो अब के बाद क्या हुआ, अब क्या आ गई थी, 19वीं शताब्दी आ गई थी। क्या बैठा था? 19वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, माइक्रोस्कोप की खोज की गई। और माइक्रोस्कोप की खोज करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ सूक्ष्म जीव का जो माइक्रोस्कोप है उसकी खोज की गई। तब क्या हुआ, साइटोलॉजी की जो कोश का विज्ञान है उसके क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ था, जो माइक्रोस्कोप उसकी खोज की गई। माइक्रोस्कोप की खोज के बाद क्या हुआ था, साइटोलॉजी क्षेत्र में सूक्ष्म जीव विज्ञान बोल सकते हैं हिंदी में, साइटोलॉजी क्षेत्र में क्या हुआ, क्रांतिकारी परिवर्तन आए। ठीक है, अच्छा, अब इसकी खोज के साथ ही क्या हुआ, एक दो वैज्ञानिक थे, स्लीडन एवं स्वान। स्लीडन स्वान बोलते हैं किसको, कुत्ता को। और स्लीडन चूंकि इसका नाम क्या है, स्वान, अर्थात ये जो वैज्ञानिक था वो किसका, ये किससे संबंधित था, जंतु विज्ञान संबंधित था। ये किससे था, पादपों से। स्वान बोलते हैं कुत्ता, कुत्ता क्या, एनिमल्स। तो ये जो वैज्ञानिक था स्वान, ये किससे संबंधित था, जो जूलॉजी है उससे संबंधित था, जंतु विज्ञान संबंधित था। ये किससे था, वनस्पति विज्ञान संबंधित था। ठीक है, तो स्लीडन एवं स्वान ने क्या किया था, कोश का सिद्धांत, सेल थ्योरी प्रतिपादित की। क्या की, सेल थ्योरी प्रतिपादित की। ये कहते हैं इस सिद्धांत के अनुसार, ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक जो कोशिका होती है, प्रत्येक जो जीव होता है उनका शरीर किससे बनता है, कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक जीव का शरीर किससे बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और नंबर दो पॉइंट क्या कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो प्रत्येक कोशिकाओं में क्या है, जो जीवन के लिए आवश्यक दशाएं होती हैं वो क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। और तीसरा पॉइंट था इस पॉइंट इसके अंदर कि जो नई पूर्व पुराने कोशिकाओं का निर्माण किस सॉरी नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के निर्माण से होता है। ठीक है, तो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, ये पॉइंट था एक में। और एक था क्या था, जो कोशिका होती है वो जीवन क्या है, आधारभूत इकाई होती है। और प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, जीवन की सभी आवश्यक दशाएं प्रेजेंट होती हैं। तो ये था सेल थ्योरी को, कोशिका सिद्धांत को सभी वैज्ञानिकों ने क्या किया था, खूब माना था इसको, खूब आज भी मान्य है ना, सेल थ्योरी को सब वैज्ञानिकों ने माना। तब अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सेल थ्योरी है वह स्लीडन एवं स्वान के द्वारा क्या की गई थी, प्रतिपादित की गई थी। अच्छा, ये हो गया था तुम्हारा, ये हुआ। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ कि कुछ वैज्ञानिक आए और उन्होंने क्या किया, कुछ अलग क्षेत्र में, हाँ वो आए थे, क्या नाम है, लैमार्क। क्या आए थे, लैमार्क, इसको मिटा रहा हूँ मैं,
आप कौन आए थे बेटा? लेमार्क आए। लेमार्क ने क्या कहा? लेमार्क ने ससंजन विकासवाद, लेमार्क ने ससंजन विकासवाद का जो सिद्धांत है प्रतिपादित किया। लेमार्क ने ससंजन विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके मतलब क्या है कि ये कहता है कि जो आज सजीव उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? पर्यावरण के दबाव से हुई है। किससे हुई है? पर्यावरण के दबाव के कारण हुई है। और इन्होंने ये भी माना कि जिन अंगों का उपयोग हम अधिक करते हैं वो क्या होते हैं? अधिक विकसित हो जाते हैं। जिन अंगों का उपयोग हम अधिक करते हैं वो अधिक जटिल व सक्षम हो जाते हैं। और क्या होते हैं वो? जिन अंगों का उपयोग हम अधिक करते हैं वो क्या होते हैं? अधिक जटिल हो जाते हैं और सक्षम हो जाते हैं। और जिनका उपयोग नहीं करते हैं वो क्या होते हैं? धीरे धीरे क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। ठीक है, नष्ट हो गए तो ठीक है। जिन अंगों का उपयोग हम करते हैं वो क्या होते हैं? अधिक जटिल हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म आते हैं और सक्षम हो जाते हैं, कार्य करने के योग्य हो जाते हैं। जिनका उपयोग नहीं करते वो क्या होते हैं? धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। ठीक है, और जो अपने इन्होंने यहाँ तक मान लिया कि जिन अंगों का उपयोग हम कर रहे हैं वो क्या होते हैं, जो लक्षण हमने ग्रहण किए वो अगली पीढ़ी में भी क्या होते हैं? हस्तांतरित हो जाते हैं, है ना। तो जिन अंगों ये उपार्जित लक्षण हमने जो हासिल किए हैं अपने जीवन में वो क्या होंगे? अगली पीढ़ी में हस्तांतरण हो जाएंगे। लेकिन ऐसा अन्य वैज्ञानिकों ने इसको बाद में अस्वीकार कर दिया गया, है ना। तो ये क्या था? लेमार्क बाद ने क्या किया था? ससंजन विकास सिद्धांत प्रदान किया। ये कहता है कि जो आज जीवों का जो निर्माण है, जीवों का विकास पर्यावरण की जो विभिन्न दबाव हैं उनके कारण हुआ था। और इनके अनुसार जिन अंगों का उपयोग हम अधिक करते हैं वो अधिक जटिल हो जाते हैं और सक्षम हो जाते हैं। जिनका उपयोग नहीं करते वो धीरे धीरे क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या था? अब उसके बाद आए थे डार्विन। कौन आए थे बेटा? डार्विन। डार्विन ने क्या किया था? उपार्जित लक्षणों की वंशागत सिद्धांत दिया था। डार्विन आए थे और डार्विन ने क्या किया था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। डार्विन कहते हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति उन्हीं लक्षणों का करती है, धारण करती है जिनको क्या है, जीव उन लक्षणों को क्या करता है? धारण करता है जो प्रकृति के अनुसार क्या है? उपयुक्त होते हैं। जो प्रकृति के अनुसार उपयुक्त नहीं होते हैं वो क्या होते? धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जो प्रकृति के अंदर रहने लायक है वो अंग तो क्या होंगे? उनका विकास हो जाएगा। जो प्रकृति के अनुकूल नहीं है वो क्या होगा? वो जीव अपने आप को नष्ट कर देगा, है ना। तो ये था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। और अगला है, अब इसके बाद कौन आए थे? मेंडल जी। कौन आए थे बेटा? मेंडल। मेंडल ने सबसे पहले, आप लोग 10th में पढ़ के आए हो, मेंडल ने किस पर अध्ययन किए थे? मटर के पौधों पर क्या किया था उन्होंने? अध्ययन किया था। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सैटाइबम।
मटर का वैज्ञानिक नाम क्या, पाइसम सेटाइवम अर्थात। तो मेंडल ने मटर के पौधों का अध्ययन किया था, उसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम हो गया। और वंशानुगति के सिद्धांत क्या किए, प्रतिपादित किए थे, है ना, कुछ सिद्धांत, कुछ नियम दिए थे। पहला नियम कौन सा था, पृथक्करण का नियम। दूसरा है प्रभावता का नियम। और तीसरा है स्वतंत्र अभ्युन का नियम। ठीक है, तो मेंडल ने मटर के पौधे प्रयोग किए और कुछ वंशानुगत सिद्धांत प्रदान किए, वंशानुगत के नियम प्रदान प्रतिपादित किए। पहला था प्रभावता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा कौन सा है, स्वतंत्र अभ्युन का नियम। ठीक है, तो ये मेंडल का क्या हुआ, विकास के बारे में। मेंडल ने जो आनुवंशिकी है, आनुवंशिक क्षेत्र में मटर प्रयोग किए और कुछ नियम, वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए, है ना। इनको अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब अगली बात आती है, जो मेंडल के बाद कुछ वैज्ञानिक और आए, वो वैज्ञानिक, इनका भी क्या है, इसमें योगदान है बायोलॉजी में। देखिए, जो एक था वुडवर्ट, वुडवर्ड है, और एक है गोडविल। गोडविल या गुडविल बात एक ही है, गोडविल, गोडविल है। उन्होंने क्या किया था, जो मेंढक था, मेंढक क्या किया था, क्लोन तैयार किया था। गोडविल ने क्या किया था, मेंढक का क्लोन तैयार किया था। और जो वुडवर्ड है, उसने क्या किया था, इसमें भी जो वो वंशानुगति है, हेरिडिटी है, उसमें क्या किया था, अपना योगदान दिया था, है ना। तो इस तरह से यहाँ जो बायोलॉजी की हिस्ट्री है वो सब, मतलब इस तरह से एक क्रम के रूप में दी गई थी, है ना। तो इसमें एक बात रह गई है कि जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविनेरिस, लेमार्क और ट्रेवी रेनस, दो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जो बायोलॉजी शब्द है उसका प्रतिपादन किया था। इससे पहले और वैज्ञानिक आए, दोनों से पहले और वैज्ञानिक भी आए थे, लेकिन उनका इतना नगण्य महत्व है, महत्व नहीं है ना। सबसे पहले जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया, लेमार्क और ट्रेवी रेनस के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, और इसके बाद हालांकि इनसे पहले भी कुछ वैज्ञानिक आए थे, हेनोव है, एक तो है हेनोव, और एक दो वैज्ञानिक और हैं इनसे पहले आए थे, लेकिन इनका इतना वो नहीं है महत्व। सबसे पहले ये दोनों वैज्ञानिक क्या थे, फेमस थे। लेमार्क और ट्रेविनस ने सबसे पहले जो बायोलॉजी शब्द है उसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, और उसके बाद बताओ फिर कौन आया था बायोलॉजी के बारे में। लैटिन सबसे, बोल, बायो शब्द किसका शब्द है, ग्रीक भाषा का, बायो, बायोस प्लस लोजिया। अच्छा, और लैटिन किसने किया था, कैरोलस लिनियस ने। और उसके बाद बताओ जो अपनी जो मॉडर्न बायोलॉजी है, मॉडर्न बायोलॉजी का प्राकृतिक रूप में अध्ययन किसने किया था, हिप्पोक्रेट्स ने। किसने किया था बेटा, हिप्पोक्रेट्स ने किया था। दूसरा पॉइंट है अगला, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे, कौन कहलाते हैं, अरस्तु। फादर ऑफ बॉटनी कौन कहलाते हैं, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस। कौन कहलाते हैं, थियोफ्रस्टस। और इसके बाद थियोफ्रस्टस ने दो बुक लिखी थी, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स और कॉजेज ऑफ प्लांट्स, है ना, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स और कॉजेज ऑफ प्लांट्स। इसके बाद क्या था कि कौन आया था, लेमार्क आया था। कौन आया था बेटा, लेमार्क। लेमार्क ने क्या दिया था, ससंजन विकासवाद का सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत ये क्या कहता है कि जो जीवों का विकास है वह विभिन्न वातावरणीय दबावों के कारण होता है, विभिन्न वातावरणीय दबावों के कारण जीवों का विकास हुआ है। उन्होंने माना कि जिन अंगों का उपयोग हम अधिक करते हैं वो क्या होते हैं, अधिक विकसित हो जाते हैं, जटिल हो जाते हैं और सक्षम हो जाते हैं, और जिनका उपयोग नहीं कर पाते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद कौन आया था, डार्विन आया था। डार्विन ने क्या, डार्विन ने उपार्जित लक्षणों की वंशज सिद्धांत प्रदर्शित किया था, डार्विन ने उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और इन्होंने कहा कि जो जीव अपने आप को प्रकृति में
ढालने के लिए उपयुक्त होते हैं वो जीवित रह पाते हैं, जो जीव अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल नहीं पाते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। डार्विन की बात हो गई। उसके बाद कौन आए थे, मेंडल जी आए थे। मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने आनुवंशिक क्षेत्र में मटर प्रयोग किए और कुछ वंशानुगति के नियम दिए थे, जो कि पृथक्करण का नियम, प्रावता का नियम, स्वतंत्र अभ्युन का नियम कहलाता है। अच्छा, इस बीच में एक बात तो रही थी बेटा, वो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर, वो इस जगह है लेमार्क से थोड़ा पहले है, वो चीज़ लेमार्क से पहले देखो कौन सी है, कि जो फादर ऑफ सिस्टेमेटिक्स, एक और चीज़ में रह गई थी, फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टेमेटिक्स, आधुनिक जो वर्गीकरण विज्ञान है उसके जनक, मतलब इसका मतलब क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टेमेटिक्स, इसका मतलब क्या है, वर्गीकरण विज्ञान है ना, वो कौन कहलाते हैं, कार्न बोन लिने, कार्ल बोन लिने, ये कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टेमेटिक्स। इनका जो नाम है, ये कहाँ के निवासी थे, स्वीडन के निवासी थे, और इन्होंने अपना नाम क्या किया था, लैटिनीकृत किया था, खुद का नाम किसमें चेंज कर दिया, लैटिन भाषा में चेंज कर दिया, और क्या हो गया, वो जो कार्ल बोन लिने वो क्या हो गया, कैरोलस लिनियस हो गया, वो कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टेमेटिक्स। इनका इन्होंने दो पुस्तक लिखी थी, एक तो है स्पीसीज प्लांटेरम और एनिमल प्लांटेरम, एक तो है एनिमल प्लांटेरम और दूसरी है स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, एनिमल से संबंधित है, ये किस, सॉरी, प्लांटेरम, प्लांट एनिमलम, सॉरी प्लांट स्पीसीज प्लांटेरम, ये प्लांट संबंधित है, और ये क्या हो गई, एनिमल प्लांटेरम। ये किस संबंधित है, एनिमल से। दोनों की उन्होंने कुल मिलाकर इसमें 1200 जातियां हैं उनका अध्ययन, उनका वर्णन किया है इन दोनों पुस्तकों में, कितना 1200 स्पीसीज हैं उनका अध्ययन किया था, उनका वर्णन किया है, किस किस में, एनिमल प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम में, जो किसने लिखी थी, कैरोलस लिनियस ने लिखी थी, है ना। तो इसका पूरा बुक नाम क्या था, कार्न बोन लिने, 1707 से 1778 का बुक जीवन परिचय हो गया। ठीक है, 1778, और इनका नाम क्या किया था, खुद ने ही लैटिनीकृत कर लिया था, तो क्या हो गया, कैरोलस लिनियस। और इन्होंने कितनी पुस्तक लिखी थी, दो, एनिमल प्लांटेरम और एनिमिले प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम। ये जो एनिमल प्लांटेरम किस संबंधित है, एनिमल से संबंधित है, ये किस संबंधित है, प्लांट संबंधित है। इसमें क्या है, 1200 स्पीसीज का यहाँ वर्णन है। और इसके अलावा इसमें एक पुस्तक और थी, द बुक ऑफ वर्ड, ऐसी कुछ बुक थी, नाम याद नहीं है, है ना। तो उसका भी उन्होंने क्या किया था, जिक्र किया था। तो दो पुस्तक तो मुख्य हैं, है ना, वो मुख्य पुस्तक नहीं है लगी, तो दो पुस्तक मुख्य हैं, एनिमल प्लांटेरम और या एनिमेलिया प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम। अच्छा, कैरोलस लिनियस को हम बायोलॉजी क्षेत्र में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लासिफिकेशन,
कार्ल वॉन लिने को या कैरोलस लिनियस को हम जो बायोलॉजी है उसके क्षेत्र में एक द्विपदीय नामकरण और प्लांट सेक्सुअल क्लासिफिकेशन के कारण जानते हैं, अर्थात द्विपदीय नामकरण और प्लांट जो पौधों का सेक्सुअल जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण विज्ञान लैंगिक जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उस क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, अपना अध्ययन किया, उनका योगदान दिया था, है ना। इसलिए इसका मतलब क्या है, जो प्रत्येक जीवों का जो नामकरण है वह वर्गीकरण करते समय दो नामों में होता है, एक वंश में एक जाति में, है ना, तो बायनोमियल द्विपदीय नामकरण कहलाया, ठीक है। इस तरह से ये क्या हुआ, इनका योगदान हो गया, ठीक है। तो पूरी बात है यहाँ पर, इस तरह से जो पौधों की जो सॉरी बायोलॉजी हिस्ट्री है वो यह खत्म होती है। अब देखिए कुछ वो है कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है। हम एक जीव को देख करके सजीव और निर्जीव का जो पहचान है वो किस प्रकार कर सकते हैं अपन, देखिए सजीव और निर्जीव की पहचान अपन कैसे कर सकते हैं। तो कोई जीव सजीव है या नहीं, निर्जीव है या सजीव है, इसका पहचान करने के लिए हम कुछ निम्न करैक्टर्स काम में लेते हैं। तो करैक्टर्स CHARCTR सजीवता के लक्षण, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंगनेस, है ना। तो इन लक्षणों के आधार पर हम देखकर कह सकते हैं कि ये सजीव है और नहीं है। तो पहला अपन ले रहे हैं मोमेंट्स। मोमेंट्स ले रहे हैं, मोमेंट्स मतलब गति करना। हम सबको पता है कि जो सजीव होते हैं क्या करते हैं बेटा, गति करते हैं, क्या करते हैं, गति करते हैं, और अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए एक स्थान से और दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, गति करते हैं। जबकि पौधों के अंदर गति नहीं होती है, लेकिन पौधों के कुछ जो अंग होते हैं वो हमको वायु से हिलते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो पौधों के जो पुष्प होते हैं वो भी क्या करते हैं, मोमेंट्स करते हैं ना। तो पौधों के अंदर भी गति होती है लेकिन हमको दिखाई नहीं देती प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कुछ अंगों में कुछ भागों में मोमेंट्स या गति देखने को मिलती है। जबकि जो सजीव होते वो एनिमल्स होते हैं उनमें हमको प्रत्यक्ष जो मोमेंट्स है गति है वो देखने को मिलती है। दूसरा जो अगला जो लक्षण है वो क्या है, ग्रोथ, वृद्धि। सजीवों का जो मोला अगला लक्षण क्या है, ग्रोथ। सभी सजीव क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। देखिए एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो माँ की गोद में रहता है, दूध पीता रहता है और क्या है अपनी ऐसा अवस्था में पड़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसका माँ क्या करती है, पोषण करती रहती है, दूध पिलाती रहती है। तो धीरे धीरे उस छोटा सा बच्चा एक बड़े जो मानव है उसमें चेंज हो जाता है ना। तो वो क्या है, छोटे से बड़ा होना, बच्चा बच्चे से क्या होगा, युवा होगा, युवा से क्या होगा, धीरे धीरे प्रौढ़ होगा, प्रौढ़ से क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वृद्ध हो जाएगा, वृद्ध से क्या हो जाएगा, लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सब क्या था, ग्रोथ थी उसकी, क्या थी, ग्रोथ थी। और इसी प्रकार अपन पौधों का अध्ययन करें, पौधों की बात करें तो पौधे में भी क्या है, छोटा सा बीज होता है एक, उसको हमने भूमि में रोप दिया तो क्या हो गया, छोटा सा पादप बन गया, छोटा सा पौधा बन गया, और धीरे धीरे उसको क्या किया, वो भी क्या हो, धीरे धीरे बड़ा होता है और विशाल का वृक्ष बन जाता है। और विशाल का वृक्ष कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उसकी भी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, है ना। तो क्या है, ग्रोथ है। अगली जो लक्षण है वो क्या है, रेस्पायरेशन। सभी सजीव जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। श्वसन की क्रिया करने के लिए क्या है, श्वसन की क्रिया की क्रिया बहुत ही आवश्यक है ना। तो भोज्य पदार्थ श्वसन की क्रिया के द्वारा क्या होते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं। हमने खाना खाया, क्या खाया, खाना खाया, और खाना खाने के बाद क्या उसका पाचन होता है, तो भोज्य पदार्थ श्वसन की क्रिया के द्वारा अर्थात ऊट की क्रिया के द्वारा क्या होते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं, और क्या होते हैं, उनको ऊर्जा मुक्त होती है, क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। अगला है न्यूट्रिशन। पोषण, पोषण की क्रिया भी क्या होती है, पोषण की क्रिया बहुत सजीवों को क्या प्रमुख लक्षण है ना। सजीव क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण के बिना क्या करते हैं, वो अपना जीवन यापन
नहीं कर सकते, है ना। तो पोषण जरूरी है, अर्थात वो क्या करते हैं अपनी अपनी जो बॉडी होती है उसकी एनर्जी के लिए क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, अर्थात खाना बनाते हैं, खाना करते हैं, खाना प्राप्त करते हैं। अच्छा, हम तो क्या करते हैं, हम तो अपना खाना बना लेते हैं अर्थात, लेकिन जो पौधे होते हैं, पौधे अपना खाना जो भोजन होता है वो क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। कौन सी क्रिया के द्वारा बेटा, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है, उस क्रिया के द्वारा जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। और हम क्या हैं, उन पर डिपेंड हैं, हम उन पर क्या हैं, निर्भर हैं। ये क्या हो गया, न्यूट्रिशन, है ना। तो सभी सजीव जीवित रहने के लिए क्या किसकी जरूरत आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। पहला हो गया मूवमेंट्स, दूसरा ग्रोथ हो गई, तीसरा क्या है, रेस्पायरेशन श्वसन क्रिया, और तीसरा है न्यूट्रिशन, अगला है न्यूट्रिशन, और अगला है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, क्या है, उत्सर्जन। चलो इससे पहले एक पॉइंट लेते हैं, डाइजेशन, पाचन। पाचन, हमने भोजन किया, श्वसन की क्रिया में क्या किया, उसको थोड़ा सा पचाया, ओटू की उपस्थिति में जो भोज पदार्थ थे वो सूक्ष्म पदार्थ, वो छोटे छोटे पदार्थ टूट गए और हमको क्या मिल गया, एनर्जी मिल गई। तो ये जो क्रिया थी, भोज पदार्थों का जो फूड स्टेप्स थे उससे जो भोजन का क्या हो गया, पाचन हुआ, क्या हुआ, पाचन हुआ, और क्या मिली हमको, एनर्जी मिल गई। और हमने क्या किया, उस एनर्जी का उपयोग कहाँ कर लिया, अपने दैनिक कार्यों में कर लिया उस एनर्जी का उपयोग, है ना। तो जो भोजन खा, भोजन किया हमने, वह ये जो क्रिया थी रेस्पायरेशन की क्रिया, इस क्रिया का क्या हुआ, O2 की उपस्थिति में क्या हो गए, वो ऑक्सीकृत हो गए और डाइजेशन के रूप में क्या हो गया, पच गया। अगला है एक्सक्रीशन, जो पचित भोजन है, अर्थात पचित भोजन के फलस्वरूप उस हम जो 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 भोज पदार्थ, जो पदार्थ हमारे काम के थे हमने वो उपयोग कर लिए। अब क्या, हमारी बॉडी के अंदर बहुत से अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन अवशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, अपन निकालते हैं, कौन सी क्रिया के द्वारा, उत्सर्जन क्रिया के द्वारा या एक्सक्रीशन क्रिया के द्वारा उनको अपन निकालते हैं। जैसे कि अपन क्या करते हैं, मल त्याग करते हैं ना, मल है अपन का, यूरिया है, यूरिन है और पसीना है, ये सब क्या है, एक्सक्रीशन की क्रिया के द्वारा उनको क्या करते हैं, अपन शरीर से, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, है ना। अगला है मेटाबॉलिज्म, अगला क्या है बेटा, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म उपापचय। हम जो कुछ दिन में कार्य कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं वो क्या है, मेटाबॉलिज्म, है ना। हम दो भी दिन में कार्य कर रहे हैं, मूवमेंट्स, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ कर रहे हैं, ये सब क्या है, मेटाबॉलिज्म है। और इस क्रिया में क्या है, हमारी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होती हैं, विभिन्न जैविक रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, है ना। प्रोटीन का पाचन हो रहा है, वसा का पाचन हो रहा है, सब क्या है, वो मेटाबॉलिज्म है। फैट का पाचन हो रहा है, सब क्या है, मेटाबॉलिज्म है। अगला है होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस अर्थात समस्थापन। हम वातावरण, प्रत्येक जो जीव होता है, प्रत्येक जीव वातावरण में जो अपने आप को क्या करता है, बनाए रखता है, अर्थात तो खुद की जो मेंटेन स्थिति है, खुद को जो खुद की बॉडी का टेम्परेचर है उसको क्या करता है, वो फिक्स बनाए रखता है, है ना। और अपने आप क्या करता है, प्रकृति के अंदर धारण किए रखता है, है ना। तो सभी सजीवों का जो शरीर का तापमान है, एक फिक्स जो टेम्परेचर है, होम्योस्टेसिस है, वातावरण के साथ क्या करता है, अपूर्व संयोजित कर समा रहता है, है ना। अगर वातावरण के साथ सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा उस एनिमल्स का, वातावरण के साथ सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा तो क्या होगा, उस बॉडी का संतुलन खो बैठेगा और प्राणी की मृत्यु हो जाएगी। तो सभी सजीवों का जो बॉडी होती है, वह बॉडी जो उसका वातावरण है बाहर का, उसका क्या करता है, सामंजस्य या होम्योस्टेसिस अर्थात समस्थापन बनाए रखता है, ये हो गया होम्योस्टेसिस। अगला है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, कि जो प्रत्येक सजीव है वह अपनी वंश की वृद्धि के लिए क्या करता है, वंश की वृद्धि के लिए करता है बेटा, जनन की क्रिया करता है, क्या करता है, जन्म की क्रिया करता है, और वह अपने समान छोटे छोटे बच्चों को जन्म देता है, इसे कहते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्रिया पौधों में प्रेजेंट होती है और जंतुओं में प्रेजेंट होती है, जिससे क्या होता है, अपनी वंश की वृद्धि होती है, है ना। पौधे क्या करते हैं, छोटे छोटे पौधे उत्पन्न करते हैं, और एनिमल्स तो फिर अपने समान बच्चे उत्पन्न करते ही हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, रिप्रोडक्शन। इसके बाद एक और लास्ट पॉइंट है, बाउंड्री,
लाइन मेंटेन। देखिए बाउंड्री लाइन मेंटेन मतलब क्या है कि जो प्रत्येक सजीव है, प्रत्येक सजीव जैसे हम एक नगर में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, एक नगर में रह रहे हैं, कस्बा में रह रहे हैं, तो हमारा जो नगर है या कस्बा है एक हमारी क्या एक फिक्स बाउंड्री है ना। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक सजीव एक जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री परिसीमा होती है, एक रेखा होती है, उसको क्या करता है रेगुलेट करता है, उसको नियंत्रित करता रहता है ना, उसको क्या करता है नियंत्रित। तो प्रत्येक जो सजीव है, प्रत्येक जो वातावरण जीव है, वह भौगोलिक वातावरण के साथ क्या करता है, भौगोलिक वातावरण के साथ क्या करता है उस बाउंड्री को मेंटेन करता रहता है ना। तो ये थे, इनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं सजीवता की पहचान कर सकते हैं। तो पहला कौन सा पॉइंट हुआ, मोमेंट्स गति करना, दूसरा ग्रोथ वृद्धि करना, रेस्पिरेशन श्वसन क्रिया, न्यूट्रिशन पाचन सॉरी पोषण एक्सक्रीशन उत्सर्जन, डाइजेशन पाचन और मेटाबॉलिज्म, उपापचय होमियोस्टेसिस मतलब होमियोस्टेसिस बोल सकते हैं इसको क्या, समस्थापन की स्थिति, दूसरा है रिप्रोडक्शन और लास्ट है अपन का बाउंड्री लाइन मेंटेन। कितना हुआ सर? हाँ बच्चों, अगली वीडियो अपन अगली की जो क्लास है उसको अगली वीडियो में देखेंगे अपन, है ना।